हाय एवरीवन, मैं हूं नेमत और मेरे किचन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है चिकन कड़ाही। इस चिकन कड़ाही को मैंने इतने आसान ढंग से बनाया है कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो डेली के चिकन करी से भी ये आपको ज़्यादा आसान लगेगा। इसमें मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये पूरा 1 किलो 200 ग्राम चिकन है और धोने के बाद इसमें कुछ कमी आई होगी। इसे मैंने कल ही धोकर साफ कर लिया था और फिर धुले हुए चिकन में 1 टेबल स्पून सिरका और भरकर पानी डालकर मैंने 15 मिनट इसे उसी में छोड़ दिया था। फिर छानने के बाद इसे फ्रिज में ओवरनाइट रख दिया था और अब ये पकने के लिए रेडी है। तो इस तरह से चिकन की सफाई करने से और सिरका डालने से चिकन बिल्कुल साफ सुथरा सफ़ेद हो जाता है, इसकी स्मेल हट जाती है और साथ ही ये बहुत आसानी से भी गल जाता है। सिरका इसका टेंडराइजर होता है। मसाले का ये पेस्ट मैंने 1 प्याज 1 लहसुन 1 इंच के अदरक के टुकड़े से तैयार किया है और ऊपर में ये मैंने जायफल को खुरच कर डाला है। ये इसका ज़रूरी हिस्सा है, इससे चिकन का स्मेल बढ़िया हो जाता है, बिसान हट जाती है और ये एक अलग सा टेस्ट देता है चिकन को। यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही है जिसे मैंने मिक्सी पॉट में फेंट लिया है। दही इसका एक ज़रूरी हिस्सा है क्योंकि दही जो है वो मीट का टेंडराइजर होते हुए भी मीट को टूट कर बिखरने नहीं देता, वो संभाल कर रखता है। तो ये भी चिकन कड़ाही में जाना है तो इसे भी आप एक तरफ फेंट कर रख लें। थोड़ी सी एक थिक बॉटम कड़ाही लें और इसी कड़ाही में अच्छे से ये तैयार होगा। अगर थिक बॉटम कड़ाही नहीं है तो आप कुकर ले सकते हैं। मैं इसे खुले में बनाने वाली हूँ, आप चाहें तो प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कड़ाही में 100 ml मस्टर्ड ऑयल डाला है। अब इसे स्मोकी होने दें। अब कड़ाही गर्म हो चुकी है तो इसमें लौंग, इलायची और दालचीनी का बघार डालते हैं। यहीं पर मीडियम साइज प्याज से 1 प्याज बारीक स्लाइस करके इसमें डाल दें और गुलाबी होने दें। जब तक प्याज गुलाबी हो रहा है यहाँ मसाले को तैयार कर लें। ये पाउडर मसाला है तो 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ले लें, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 3/4 टीस्पून नमक है और साथ में है 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर हमारे चैनल पर मौजूद है तो इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, चाहे तो आप इसे देख सकते हैं। इसे आप एक तरफ रख दें। प्याज अब गुलाबी हो चुका है तो यहाँ पर डालें धुली हुई चिकन। अभी इसमें चम्मच ना लगाएं, 1 मिनट तक इसे यूं ही पड़ा रहने दें। अब 1 मिनट का वक्त गुजर चुका है, चिकन के नीचे स्टीम आ चुका है तो अब ये फूटेगा नहीं, तो इसे अलग पलट कर लें। आंच लगातार हाई पर रखें। इस चिकन में मैंने ब्रेस्ट के पीसेस को अलग कर लिया था जिससे कि मैंने बोनलेस बोटियाँ बनाई हैं। मेरे घर में कुछ लोगों को बोनलेस चाहिए और जो बोनी पार्ट था, इसके गर्दन का हिस्सा था, उसका मैंने सूप तैयार कर लिया है। तो अब चिकन जो है वो थोड़ा पक चुका है, इसका गुलाबीपन ख़त्म हो चुका है और ये सफ़ेद हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमने सफ़ेद पेस्ट तैयार किया था वो डाल दें और इसके साथ हमें तेज़ आँच पर इसे खूब देर भून लेना है, कम से कम 10 से 12 मिनट तक। फ्लेम तेज ही रहेगा। देखिए ये चिकन बहुत आसानी से बनेगा और इस कड़ाही चिकन की ब्यूटी ये है, कि ये एक ही बार में बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाला है। तो आप इस तरह से चिकन कड़ाही बनाकर देखें, ये बिगिनर्स को बहुत सूट करेगा। साथ ही वक्त की अगर कमी है तो इस तरह से चिकन कड़ाही आप बनाएं। चिकन कड़ाही का जो स्पेशल टेस्ट होता है
वो कसूरी मेथी से आता है, और साथ में जिन्हें मेथी की बिटरनेस बुरी नहीं लगती तो 1/8 टी स्पून पिसा हुआ मेथी भी यूज़ करें। इससे चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़ेदार बनता है, और यही एक अलग मसाला है। बाकी तो मसाले सारे में सेम ही लगभग पड़ते हैं। अब यहाँ पर हमें टमाटर डालना है, तो टमाटर इस तरह से डालें। मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसे 4 टुकड़े में काट लिया है। इसे थोड़ी देर तक ढक दें। अब एक खरल में 1/8 टी स्पून मेथी दाना डालकर इसे कूट लेना है, और ये आप तभी करें जब आपको मेथी की खुशबू पसंद हो, वरना इसे सिर्फ कसूरी मेथी से भी बनाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पर बस ये थोड़ा सा 2 चुटकी मेथी यूज करने वाली हूँ। अब 4 मिनट के बाद मैंने चिकन को खोला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाटर के छिलका बिल्कुल अलग हो रहा है। इसे निकाल लेना है, और जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत आसानी से बन जाने वाला है, खासकर बिगिनर्स या जिनको टाइम की कमी है उनके लिए ये तरीका बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से बर्तन भी नहीं ज़्यादा गंदा होता है, और आप एक ही कढ़ाई में सारा काम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम टमाटर की स्किन को भी अलग कर लेते हैं। चलिए, और टमाटर भी बिल्कुल गल चुका है। यहाँ पर टमाटर को हमें थोड़ा दबा लेना है, और अभी तो ये और थोड़ी देर गलने वाला ही है, तो उसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगा। और अलग से स्किन हटाने की झंझट या इसे पीस कर डालने की झंझट से ये बिल्कुल इत्मीनान से हो जाता है एक ही कढ़ाई में। अभी इसे और इसी तरह से पकने देना है, ताकि सारे टमाटर भी इसमें मिक्स होकर मसाला बन जाए। अब आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल मक्खन की तरह से इस प्रोसेस से गल जाता है। मिक्सी में पीसने से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस तरह से आता है। तो अगली बार आप जब भी बनाएं, टमाटर को इसी तरीके से डालें। तो लगभग 10 से 12 मिनट तक ये सारे लहसुन अदरक और प्याज हमारे तेल में भुनाते रहे हैं, और यही कच्ची चीज़ें होती हैं, तो इनको इस तरह से भून लेना अच्छा रहता है। तो अब यहाँ पर जो हमने मसाला तैयार किया है, उन मसाले को डाल देना है। ये सारे सूखे मसाले हैं, और इन्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना से ही ये पक जाने वाला है। तो अब इन मसालों के साथ भी इसे अच्छी तरह से भून लेना है। देखिए, मसाला डालते के साथ ही चिकन का कलर चेंज होने लगा है। अब चिकन मसाले के साथ अच्छी तरह से भुना जा चुका है, और आपने नोटिस किया होगा कि मैंने बाहर से बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैं 100 ml के लगभग पानी इस्तेमाल करूँगी। इतना में ही ये चिकन गल जाएगा, क्योंकि चिकन हमारा बहुत ही टेंडर है। आप अपने चिकन के टेंडरनेस के हिसाब से इसमें पानी इस्तेमाल करें। अब इसे ढक कर 7-8 मिनट तक गलने में वक्त लगेगा, इसे गलने दें, और उसके बाद हम फिर मिलते हैं। तो लगभग टोटल 25 से 30 मिनट के वक्त में चिकन हमारा इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। आप इसकी बोटियाँ देख सकते हैं। देखिए, 15 मिनट मैंने शुरुआती प्रोसेस में लगाए थे, और पानी डालने के बाद 10 से 12 मिनट इस तरफ लगा है। तो इतने देर में चिकन इस तरह का तैयार हो चुका है, और अब यहाँ पर हमें कुछ बची हुई चीज़ें और डाल देना है। तो जो हमने फेटा हुआ दही रखा था,
वो मिला लेना है। अगर आप इसे मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप 2 टेबलस्पून अमूल का क्रीम भी डाल सकते हैं या घर की बनी हुई क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि उससे कढ़ाई हेवी हो जाती है और डाइजेस्ट होने में थोड़ा मुश्किल होता है। यहीं पर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल लें, ये इसका एक खास हिस्सा है। फ्लेवर के लिए हरी मिर्च डालें और इसे अच्छी तरह से चला लें। अब यहाँ पर आप इसका नमक भी टेस्ट कर लें ताकि नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकें और करी की थिकनेस भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। मुझे तो बस इतना ही चाहिए। अब फिर से यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें एक्स्ट्रा खुशबू के लिए, और ये गरम मसाला आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर, इसकी रेसिपी मौजूद है। इसकी गलावट देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा चिकन पर पानी डालें, ये ठंडा हो जाएगा। अब आप इसे छूकर देखें, देखिए बिल्कुल जिस तरह से पनीर का टेक्सचर होता है वही टेक्सचर इसका है, इतना ज़बरदस्त गला है ये। तो व्यूअर्स, चिकन कढ़ाई मेरे तरीके से बनाएं, मेरा स्टेप फॉलो करें, आप देखेंगे कि ये डेली बनाने वाली चिकन से भी ज़्यादा आसान लगता है। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। तो बनाएं, खाएं और खिलाएं, और पसंद आए तो हमें लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।